जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 21वें मैच की, जो कि मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला जाएगा। अब इस वाले गेम के अंदर दोस्तों स्मॉली और ग्रैंडली की क्या टीम रहने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पर ना एंड तक बने रहना, आपको सारा कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ना पिच की। तो पिच अपना कहाँ पे होगा ये मैच, तो यहाँ पे ना सिमन स्टेडियम गिलोंग में खेला जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बताऊँ ना, मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट का एक मैच हो चुका है, जो कि लो स्कोरिंग गेम रहा था। आई थिंक 10वां मैच खेला गया था। जी हाँ, ये पड़ा दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ क्या था, टॉस जीत के ब्रिस्बेन ने दोस्तों बैटिंग चूज़ करी थी, ठीक है। लो स्कोरिंग गेम हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हो एक अंदाज़ा। बाकी दोस्तों रेनेगेड्स आसानी से ये वाला गेम ना चेज के ली, ठीक है। तो इस वाले गेम में भी आप ये उम्मीद कर सकते हो ना कि जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी ना, वो पहले बॉलिंग डिसाइड करेगी। और वो क्यों, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ना ये वेन्यू लो स्कोरिंग गेम है, ठीक है। यहाँ से चेज़ करने वाली टीम को ना ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, मेलबर्न रेनेगेड्स और अपना सिडनी सिक्सर्स का। सो यहाँ पे दोस्तों सिक्सर्स के साइड से एक अपडेट है, यहाँ पे ना क्रिस जॉर्डन ऐड हुए हैं इनके स्क्वाड में। बाकी आप प्लेइंग 11 देख सकते हो सिक्सर्स की, इसमें पैटरसन, फिलिपे, विंस, मोजेस हर्निक्स, जॉर्डन सिल्क, क्रिश्चियन दोस्तों, एडन के, डोरिसिस एबर्ट, जैक्सन बर्ड और टीम मोर्फी। इसके अलावा रेनेगेड्स की अगर बात करें तो इनकी लगभग लगभग सेम रहने वाली है, जिसमें कि दोस्तों गप्टिल, मेडिसन, फिंच, शॉन मार्स, जॉनसन वेल्स, पीटर हैंड्सकॉम, अकील, सुथरलैंड दोस्तों, टॉम रोजर्स, केन रिचर्डसन, मुजीब, ठीक है। तो लगभग लगभग ये इनकी 11 सेम रहने वाली है। बात करेंगे दोस्तों प्लेयर वाइज स्टैट्स की, ठीक है। स्टैट्स का कहते हैं जिसके बेस पे हम अपनी टीम बनाएंगे। सो यहाँ पे दोस्तों ना मार्टिन गप्टिल की अगर बात करें, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना लास्ट के गेम में तो कुछ खास करके नहीं आ रहे। वहीं पे दोस्तों मेडिसन की अगर बात करें, ये भी दोस्तों एक आधा रन, बाकी फिंच ने बढ़िया किया, शॉन मार्स, ये चार ऑप्शन दोस्तों स्मॉली के लिए अच्छे ऑप्शन है। लेकिन लास्ट गेम जो खेल के आ रहे, यहाँ पे उतना कुछ बढ़िया प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे अगर देखें ना, जहाँ पे वेन्यू हालांकि अलग था, ठीक है, सॉरी दोस्तों मैंने दूसरा ओपन कर दिया, एक सेकेंड दोस्तों, ये पड़े दोस्तों मेडिसन यहां पे भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों आपको ना दो प्राइम टीम मिलेगी स्मॉल लीग की, है ना, इम्पोर्टेंट चारों हैं। अब कौन चलेंगे कौन नहीं, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी गप्टिल, मेडिसन, अपना फिंच एंड शॉन मार्स दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा जॉनसन वेल्स की अगर बात करें, तो इनका ऑप्शन दोस्तों जीएल के लिए ही बढ़िया है, जीएल वगैरह में ट्राई करना। सेम एज पीटर हैंड्सकॉम की अगर बात करें, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बढ़िया रहने वाला है, अपना जीएल के लिए बढ़िया रहने वाला है। विकेट कीपिंग करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के साइड से।
बाकी बॉलिंग की अगर बात करें, ठीक है, बॉलिंग से दोस्तों रिचर्डसन एक बड़ा नाम है, इसके अलावा मुजीब का नाम है ना, बाकी अकील दोस्तों, बाकी ऑप्शन दोस्तों आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, टॉम रॉजर्स को भी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा अगर डिटेल्स में जाए ना, सो यहाँ पे दोस्तों अकील हुसैन, रिचर्डसन दोस्तों एंड मुजीब पावर प्ले के अंदर, मेडल में दोस्तों विल सुथरलैंड, टॉम रॉजर्स विकेट निकाल के दिए थे लास्ट गेम के अंदर। अंतिम ओवर्स की बात करें तो अपना रिचर्डसन, मुजीब एंड अकील दोस्तों, इसके अलावा टॉम रॉजर्स एक नाम निकल के आ रहा है, इनको तो खैर जीएल में ट्राई करना दोस्तों आप, ठीक है। स्मॉली के लिए अपने अपना अकील, रिचर्डसन और मुजीब का ऑप्शन बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल ना यहाँ से ना मैंने चार ऑप्शन यहाँ पर आपको बताया, बाकी अपना अकील, रिचर्डसन और मुजीब दोस्तों, सात प्लेयर एक टीम के बताए मैंने, है ना। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ दोस्तों, टीम क्रिएट करके फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर ना फिंच, शॉन मार, मार्टल गप्टिल, निक मैडिनसन दोस्तों, सुतरलैंड को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, जनता इनके साथ जा रही है ना, अपना अकील और मुजीब दोस्तों, सात प्लेयर हो गया। एक आधा चेंज आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये सात इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो कि आपकी टीम में होने चाहिए एक साइड से, ठीक है, क्लियर करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अपना सिडनी सिक्सर्स की। सो यहां से ना कर्टिस पैटरसन दोस्तों उतना तो कुछ खास नहीं कर पाए, मिनी जेल में ट्राई कर सकते हो, बाकी फिलिपे जेम्स विंस का ऑप्शन दोस्तों स्मॉली के लिए बढ़िया, फिलिपे लास्ट गेम में भी बढ़िया करके आ रहा है, प्लस विकेट कीपिंग भी कराएंगे, यानी कि दोनों जगह से पॉइंट्स देके जाएंगे, ठीक है। मोइसेस हेनरिक्स थोड़े से रिस्क ऑप्शन रहेंगे, आप अपने लेवल पे एक आधा रिस्क लेके आप इनको ट्राई कर सकते हो, अगर फिलिपे और जेम्स विंस का ऑप्शन स्मॉली के लिए बढ़िया है। पैटरसन दोस्तों जीएल में ही ट्राई करना, ठीक है, स्मॉली में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, बाकी जॉर्डन सिल्क भी आपके लिए रिस्की ऑप्शन रहेंगे। क्रिश्चियन की अगर मैं बात करूँ, इनका भी कंफर्म नहीं है दोस्तों बॉलिंग कराएंगे या नहीं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो दोस्तों एक आधा ओवर ही करा रहे हैं और धुलाई हो रही है इनकी, बाकी दोस्तों यहाँ से ड्वरिसिस को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा स्मॉल अपना जीएल में या फिर मिनी जीएल में, कैप्टन ज़रूर बनाना, ठीक है। सीन एबट दोस्तों, एडन केयर दोस्तों, तीन ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर इनका थोड़ा सा अगर डिटेल्स में देखा जाए तो ड्वरिसिस दोस्तों, इसके अलावा जैक्सन बर्ड, सीन एबट पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते नजर आएंगे, मिडिल में दोस्तों एडन केयर, टॉड मोर्फी दोस्तों, अगेन ड्वरिसिस, मोर्फी को दोस्तों आप जीएल में ही रखना। अंतिम ओवर्स की अगर बात करें यानी कि डेथ ओवर्स की, तो अपना सीन एबट, एडन केयर, अब बेन ड्वरिसिस दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बाकी जैक्सन बर्ड, मोर्फे दोस्तों, ये ऑप्शन आपके लिए जीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी बैटिंग से फिलिपे विंस, इसके अलावा एक आधा रिस्क लेके आप अगर मॉइसेस को ट्राई करना चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी एडन केयर दोस्तों ये ऑप्शन काफी है। अब विकेट कीपिंग सेक्शन दोस्तों, फिलिपे, अपना जेम्स विंस दोस्तों, एबट, एडन केयर, ड्वरिसिस दोस्तों,
जॉर्डन अगर खेलते हैं तो जॉर्डन इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, है ना? देखिए ज़रा, सिल्क दोस्तों, ट्राई कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर इनके प्लेस पे ना एक बॉलर्स आप प्रिफर कर सकते हो, जो कि अपना जैक्सन बर्ड हो सकते हैं, टॉट मोर्फी हो सकते हैं, है ना? तो सात इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के साइड से, ठीक है? स्क्रीनशॉट रखेंगे। अब 14 प्लेयर दोस्तों मैंने आपको बताए, अब इनमें से दो प्लेयर को आपने आउट करना है, रिमूव करना है, तो टीम दोस्तों क्या बन के निकलती है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, क्योंकि फाइनल अपडेट या जो भी फर्दर कोई अपडेट होगी ना वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ना सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब दोस्तों जो मैं प्राइम टीम की बात कर रहा था, जो दो प्राइम टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम, सो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना, मैं आपको टीम दिखाता हूँ दोस्तों। सो अब दोस्तों जो हमारी पहली प्राइम टीम है ना स्मॉल लीग की, इसमें हमने दोस्तों जॉर्ज फिलिपे, मार्टिन गप्टिल, एरन फिंच, जिम विंस, मेडिसन एबट, एच कैर, इसके अलावा दोस्तों रिचर्डसन, डुवेरेसिस, अकील और अपना रॉजर्स दोस्तों, है ना? सी और वीसी, ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टीम सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड टीम बनेगी ना, उसमें दोस्तों सेकंड प्राइम टीम में दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे मॉइसेस, विंस, शॉन मार्श, अपना एडन फिंच, एबट, एडन केयर और विल सुथरलैंड, बाकी दोस्तों जॉर्डन, इसके अलावा डुरेसिस और अकील। यहाँ पे सीवीसी सबसे अलग होंगे, जो कि जॉर्डन और विल सुथरलैंड। आप यहाँ से एक आधा चेंज अपने लेवल पे कर सकते हो दोस्तों सीवीसी के लिए, है ना? एरन फिंच को ट्राई कर सकते हो, जॉर्ज फिलिपे हैं आपके पास, अकील हुसैन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, बाकी टीम सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, टेलीग्राम से जुड़ जाना यार, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, है ना? बाकी जीएल की टीम दोस्तों, अब दोस्तों जीएल की टीम दोस्तों वीडियो स्किप करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, है ना? सो यहाँ पे सी और वीसी के लिए दोस्तों डुवारिसिस हैं, मार्टिन गप्टिल को ट्राई कर सकते हो, जे विंस और जॉर्ज फिलिप, ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैं सबसे अलग बनाऊंगा दोस्तों अपना डुवारिसिस और जे विंस को, ठीक है? हालांकि मैं ये चेंज कर सकता हूँ फिलिपे के ऊपर, ठीक है? कंफर्म नहीं है दोस्तों, मैं फिलिपे को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, बाकी जे विंस, मार्टिन गप्टिल को भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? सो दोस्तों मैंने आपको तीन प्राइम टीम दी है, तो जल्दी से जाके ना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। और दोस्तों जो भी अभी तक फ्री गिव अवे को जिनको अभी तक पता नहीं चला ना, टेलीग्राम पे चेक करना, 30,000 रुपये का फ्री गिव अवे 10,000 बैट बॉल 11 पे और 20,000 रुपये का फ्री गिव अवे फेंटा फीट पे है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बैट बॉल का भी और फेंटा फीट का भी, ठीक है? और मैं यहाँ पे क्यों खेलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ से हेड टू हेड में जाओगे ना, सो यहाँ से इसके रेट्स देखो पहले आप, 1,000 रुपये के कॉन्टेस्ट में ना सिर्फ 25 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे देखोगे ना कितने कम है दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ पे खेलता हूँ, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा कम है, सो आप भी यहाँ पे खेल सकते हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।